इंडिया रिपोर्ट सुबह की पहली खबर में आज हम आपको दिखाएंगे कनाडा के वैंकूवर शहर पहुंचे मोदी ने कैसे गुरुद्वारे और मंदिर में की पूजा अर्चना। साथ ही बात करेंगे कश्मीर के अलगाववादियों मसरत और गिलानी की। लेकिन पहले 25 बड़ी खबरें। केंद्र के दबाव में झुके जम्मू कश्मीर के सीएम मुफ्ती, देशद्रोही मसरत और गिलानी को किया नजरबंद। त्राल में होने वाली गिलानी की रैली को सरकार ने नहीं दी इजाजत। मसरत गिलानी के बहाने पाकिस्तान का सच सामने आया। पाकिस्तान ने देशद्रोही मसरत और गिलानी का समर्थन किया। श्रीनगर में अपना झंडा लहराने से पाक विदेश मंत्रालय खुश। देशद्रोही मसरत के समर्थन में उतरा मोस्ट वांटेड हाफिज सईद का। मसरत का करेंगे पूरा समर्थन। भारत पर परमाणु हमले की धमकी दी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने मुफ्ती से मसरत पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। आज कटरा में जम्मू बीजेपी की बैठक में हालात पर चर्चा। मसरत के खिलाफ आज जम्मू में वकीलों का प्रदर्शन। बराक ओबामा ने फिर की मोदी की तारीफ। टाइम मैगजीन में लेख में मोदी को बताया रिफॉर्मर इन चीफ। मोदी ने ट्वीट कर ओबामा को कहा थैंक्स। टोरंटो के बाद वैंकूवर पहुंचे पीएम मोदी। खालसा दीवान गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। आज ही भारत के लिए होंगे रवाना। कनाडा में मोदी ने कनिष्क विमान हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। भारत में निवेश को लेकर बैंकर से भी मिले। टोरंटो में पीएम मोदी के बयान पर भड़की कांग्रेस। कहा अगर ऐसा ही होता रहा तो विदेश में मोदी के दौरे के दौरान कांग्रेस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी ने विरासत में मिली गंदगी का किया था जिक्र। छुट्टी से लौटने के बाद आज से एक्शन में राहुल गांधी। किसान नेताओं कांग्रेस महासचिवों से मुलाकात। आज 19 अप्रैल को होने वाली किसान रैली की तैयारी। राहुल की किसान रैली पर बीजेपी की चुटकी। कहा सियासत में नहीं चलता। आइटम नंबर 19 अप्रैल को कांग्रेस रैली के जवाब में बीजेपी करेगी वर्कशॉप। नेताजी के परिवार का नेहरू पर बड़ा आरोप। कहा नेताजी की मौत को मानने के लिए दिया गया था लालच। भाई को राजदूत, भतीजे को गवर्नर बनाने की पेशकश की थी। राखी के बर्थडे गिफ्ट पर विवाद। राखी और आम आदमी पार्टी ने सफाई दी। कहा गिफ्ट में नहीं मिली स्कॉर्पियो, आप कार्यकर्ताओं ने दी थी गाड़ी। जयललिता की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जमानत अवधि बढ़ाने पर फैसला। आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी हैं जया। यूपी के मंत्री आजम खां का वेतो का कदम। यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी से मांगे सारे गिफ्ट। वाजपेयी ने कहा आजम का पहले का गिफ्ट नहीं मिला। तमाम कोशिशों के बावजूद सुसाइड को मजबूर किसान। यूपी के बदायूं में दर्दनाक घटना। किसान बेटे की खुदकुशी के बाद मां ने भी दम तोड़ा। पिछले 24 घंटे में पंजाब हरियाणा के कई इलाकों में बारिश। हजारों एकड़ लगी फसल बर्बाद। अनाज मंडियों में रखा लाखों क्विंटल अनाज बर्बाद। आज बारिश का अनुमान। दिल्ली के साकेत में एक नाइजीरियन लड़की ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को कार से कुचला। नशे की हालत में ड्राइविंग का आरोपी को 14 दिन की जेल। दिल्ली में फिर रोड रेज का मामला सामने आया। नरेला में बीच सड़क महिला को मारी गोली। तेज रफ्तार गाड़ी चलाने से मना करने पर बदमाशों ने की फायरिंग। मुंबई में दो जगहों पर आग से अफरा तफरी। गोरेगांव में 50 दुकानें आग में खाक। जोगेश्वरी में कपड़े के गोदाम में आग लगी। चंदौली में दो ट्रकों में जबरदस्त टक्कर। एक ट्रक चालक घंटों कैबिन में फंसा रहा। कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। नोएडा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान के कातिल का स्केच जारी। 50,000 के इनाम का ऐलान। अब तक 35 लोगों से पूछताछ कर चुकी पुलिस। रोहतक में इंजीनियरिंग कॉलेज से 13 कश्मीरी छात्र निकाले गए। पीएम विशेष स्कॉलरशिप फंड नहीं मिलने के बाद प्रबंधन का फैसला। एक महीने बाद होनी है परीक्षा। सौरभ गांगुली बन सकते हैं टीम इंडिया के कोच। डालमिया से मुलाकात कर गांगुली ने किया खंडन, लेकिन कोच बनने से इनकार नहीं किया। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने लगाया जीत का चौका। सनराइजर्स को 6 विकेट से हराया। आज चेन्नई और मुंबई में भिड़ंत। बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है आज मिस्टर एक्स। कल्कि की फिल्म माइग्रेटा विद द स्ट्रॉ से टक्कर। पीएम मोदी इस वक्त लक्ष्मी नारायण मंदिर में मौजूद हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद भारतीय समुदाय को वो संबोधित कर रहे हैं। सीधा आपको वैंकूवर लिए चलते हैं। हम वैज्ञानिक तरीके से हमारे जीवन मूल्यों को, जीवन पद्धति से दुनिया को परिचित कैसे करवाएं और विश्व को
जो भी छोटे मोटे संकटों का सामना करना पड़ रहा है, उन संकटों का सामना करने का रास्ता हम कैसे दिखाएं। मैं पिछले वर्ष सितंबर में न्यूयॉर्क आया था, यूएन जनरल असेंबली में मुझे बोलने का अवसर मिला। ये मेरा प्रधानमंत्री ग्रुप में पहली बार आना हुआ था, यूएन में पहली बार बोल रहा था, लेकिन वैसे वहां मैंने दुनिया को एक रिक्वेस्ट की और यूएन को रिक्वेस्ट की कि 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जाए। और आपको जानकर के खुशी भी होगी, गर्व भी होगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने जिस योग की परंपरा को विकसित किया, उसका जो वैज्ञानिक ताकत है, उसकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के साइंस की जो उसमें चर्चा है, उसको आज भली भांति दुनिया जानने लगी है। और परिणाम ये आया कि करीब ठीक 125 दिवस के अंदर अंदर यूएन में रिजोल्यूशन पारित हो गया। 177 कंट्रीज को स्पॉन्सर बनी। यूएन के इतिहास में इस प्रकार के रिजोल्यूशन में कभी भी इतनी बड़ी संख्या में देशों का को पार्टनरशिप नहीं मिला था। ये पहली बार यूएन के इतिहास में 177 कंट्री को स्पॉन्सर बनी। कैनेडा भी को स्पॉन्सर बना। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में पूरे विश्व में अब मनाया जाएगा। हमारा दायित्व है कि हम विश्व भर में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग जहां भी इस प्रकार की योग की एक्टिविटी चल रही है, उनका संपर्क बढ़ाएं। दुनिया के हर समाज के लोग, हर परंपरा के लोग अपने अपने तरीके से योग से जुड़े हैं और अपने अपने तरीके से योग को मॉडिफाई भी किया है। हम इस बात को, क्योंकि युवा जगत के लिए शांतिपूर्ण जीवन के लिए, मन बुद्धि शरीर के संतुलन के लिए, व्यक्ति समष्टि और सृष्टि के साथ समन्वय के लिए, मानव और प्रकृति के साथ संतुलित जीवन के लिए योग बहुत ही दिशा दर्शक है। हम उस बात को बढ़ावा दें और उसे समग्र विश्व में जो मनुष्य व्यक्तिगत रूप से तनावपूर्ण जिंदगी जीता है, उसको मुक्ति दिलाने का अभियान चलाएं। आज आपने हमारा सम्मान किया, स्वागत किया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। चल रहा है वो भारत वालों को जितनी खबर है, उससे ज्यादा बाहर वालों को है। अगर आप स्टेडियम में बैठकर के क्रिकेट देखते हैं तो बहुत ज्यादा पता नहीं चलता है कि कौन सा फील्डर कहां खड़ा है और कौन सा बॉल कहां से आया, बॉल की स्पीड क्या है, पता नहीं रहता है। लेकिन अगर घर पर दूर से टीवी पर देखते हैं तो क्रिकेट मैच का पूरा पता चलता है कि कौन कहां खड़ा है, बॉलिंग कौन कर रहा है, बॉल की स्पीड क्या है। वैसे ही आप यहां हैं तो आपको यहां से भारत में क्या चल रहा है पूरा पता रहता है, बारीक से बारीक पता चलता है।
और इसलिए मैं उसकी चर्चाओं में नहीं जाना चाहता। फिर एक बार मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने इतना समय दिया, लगातार मेरे साथ रहे और मुझे कनाडा से भली भांति उन्होंने परिचित करवाया। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप सबका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सब बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मोदी है और मैं भारत से आया हूँ। भारत और कनाडा दोनों ही बहने हैं। मैं पैगाम लाया हूँ, मुझे दुगनी मोहब्बत दो। लक्ष्मी नारायण मंदिर में संबोधित कर रहे थे। इससे पहले वो गुरुद्वारा साहब भी गए थे। वैंकूवर में दीवान साहब गुरुद्वारा पहुंचे थे, जहां मोदी ने सिख समुदाय के एक समारोह में भी हिस्सा लिया था। एक बहुत बड़ी संख्या में वहां पर सिख रहते हैं। मोदी ने सिखों से खून का रिश्ता जोड़ा और कहा कि कनाडा में सिखों ने भारत का मान बढ़ाया है। जो बोले सो निहाल। अपनी विदेश यात्रा के अंतिम पड़ाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के वैंकूवर शहर पहुंचे। हवाई अड्डे पर मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद हवाई अड्डे से मोदी का काफिला सीधे खालसा दीवान साहिब गुरुद्वारे के लिए निकल पड़ा। वैंकूवर के दीवान साहिब गुरुद्वारे को मोदी के स्वागत के लिए खास तौर से सजाया गया था। यहाँ भारी तादाद में सिख समुदाय के लोग मोदी का इंतजार कर रहे थे। मोदी के साथ कनाडा के पीएम हार्पर भी थे। दोनों ने सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहिब के सामने शीश नवाया और इसके बाद सभी के साथ बैठकर गुरुवाणी सुनी। गुरुद्वारे में दिए अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि सिखों ने कनाडा में भारत के मान को ऊंचा किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की है। टाइम मैगजीन में एक लेख लिखकर ओबामा ने मोदी को भारत का रिफॉर्मर इन चीफ कहा। विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के दो सबसे बड़े नेताओं के बीच की दोस्ती एक नए मुकाम पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बार फिर अपने दोस्त पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। टाइम मैगजीन में लिखे एक लेख में ओबामा ने मोदी को भारत का रिफॉर्मर इन चीफ यानी मुख्य सुधारक बताया है। ओबामा ने मोदी के बारे में लिखा है कि बचपन में मोदी अपने पिता को चाय बेचने में मदद करते थे ताकि परिवार का भरण पोषण किया जा सके। आज वो दुनिया के विशालतम लोकतंत्र के नेता हैं। गरीबी से प्रधानमंत्री बनने तक उनके जीवन की कहानी एक मिसाल है कि भारत कितनी संभावनाओं और रफ्तार के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। मोदी ने सपना देखा है, ये सपना है गरीबी खत्म करने का, लोगों को शिक्षित करने का, महिलाओं को सशक्त बनाने का और क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करते हुए भारत की वास्तविक आर्थिक शक्ति को सामने लाने का। भारत की तरह मोदी भी प्राचीनता और आधुनिकता का संगम है। वो योग के प्रति समर्पित हैं, लेकिन साथ ही ट्विटर के जरिए लोगों से जुड़ते हैं और डिजिटल इंडिया का सपना देखते हैं। ओबामा यहीं नहीं रुके, उन्होंने मोदी की उस सोच की भी तारीफ की जिसमें वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। जब वो वाशिंगटन आए थे तब नरेंद्र और मैं, हम दोनों मार्टिन लूथर किंग जूनियर के स्मारक पर गए थे। हमने किंग और गांधी जी की शिक्षाओं को याद किया कि अलग अलग पृष्ठभूमियों और विश्वासों के लोग हमारे देशों में शक्तियां हैं जिनकी रक्षा हमें करनी है। प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं कि 1 अरब से अधिक भारतीयों का एक साथ रहना और तरक्की करना दुनिया के लिए एक मिसाल हो सकती है। ओबामा की कलम से तारीफ के शब्द सुनते ही प्रधानमंत्री मोदी ने बराक ओबामा को धन्यवाद दिया है। मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के शब्दों को दिल को छूने वाला बताया। मोदी ने ट्वीट कर लिखा, प्रिय बराक ओबामा, आपके शब्द दिल को छूने वाले और प्रेरणादायी हैं। धन्यवाद टाइम। ये सही है कि दुनिया की नजरों में पीएम मोदी का कद बड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ही नहीं, विश्व के दूसरे नेताओं ने भी बढ़ चढ़कर मोदी के काम की तारीफ की है। दिल्ली के शालीमार बाग में एक स्टील व्यापारी से 42 लाख रुपए ठग लिए गए हैं। व्यापारी की दुकान पर 13 अप्रैल की सुबह 11 बजे 4 लोग आयकर विभाग के अधिकारी बनकर आए थे। ठग स्टील व्यापारी को वारंट दिखाकर अकाउंट्स और फाइलें जांचने लगे।
ठगों ने व्यापारी पर कार्रवाई की धमकी दी, जिसके बाद व्यापारी ने कार्रवाई के डर से ठगों को 42 लाख रुपए दे दिए, जिसके बाद चारों ठग हरे रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी से चले गए। ठगों के जाने के बाद व्यापारी को उन लोगों के नकली आईटी अधिकारी होने का पता चला, जिसके बाद व्यापारी ने पुलिस में शिकायत की। अब दुकान में सीसीटीवी तस्वीरों की मदद से पुलिस ठगों की तलाश कर रही है।